ऐसा तो कोई नहीं है। चलो माला जी। ईशा ने कहा है? उन्हें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने छत की तरफ जाते हुए देखा। वाह माँ, पकड़े गए। तुम बड़बोली बिल्ली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अपने जाल में फंसा लोगी? हाँ, ये सब अपनी गिरी हुई हरकतें करना बंद करो, वरना वरना क्या? हाँ, और गिरी भी मैं नहीं, गिरे भी तुम हो। तुमने मुझे अभी गिराया। अरे बात बात में तुम मेरे पास आ जाती हो, मेरे गले पड़ जाती हो। मैं कब गले पड़ी? हेलो, तुम गले पड़े। तुमने मुझे गोद में उठाया। हाँ तो गोद में क्यों उठाया? ताकि छत से तुम्हें नीचे फेंक सकूं। जी मानना तो चाहोगे ना, ताकि डिवोर्स के बाद हिस्सा ना दे पाओ। हाँ हाँ जाओ, देख लूंगा तुम्हें। हाँ मैं भी देख लूंगी। हाय बड़े, हाय हाय मोटी बहन, अरे देखो ये लोग क्या जला रहे। तुम्हें क्या लगता है इन डिवोर्स पेपर्स को जलाने से तुम बच जाओगे? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। दोबारा डिवोर्स पेपर्स बनवाऊंगी और पहले से ज्यादा क्लॉजेस डलवाऊंगी। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसों में आधा हिस्सा चाहिए। तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाला मैं। जितना तुम्हारा दिमाग है ना, उतना ही तुम्हें मिलेगा, यानी 100 में से 2%। 2% मतलब? मेरी माँ कहती है खून पसीने की कमाई में से सिर्फ 2% दान देना चाहिए, तो वो 2% तुम्हें दे दूंगा मैं। दान? हाँ तुम मुझे दान दोगे? दान, और तू तो इसे भीख ही समझ लेगा क्योंकि तेरी औकात ही इतनी है। और हाँ, अगर ज्यादा लालच की ने तो वैसे ही विदा कर दूंगी जैसे आए थे, फटे हाल। अरे हाल तो तुम लोगों के बेहाल होंगे जब तलाक के पैसे देने में आनाकानी की। तो केस कर दूंगी तेरे बेटे पे, कोर्ट में घसीटूंगी। ये देख जख्म है जख्म, मारने की कोशिश की थी तेरी बेटी ने, सबूत है तुम लोगों के अत्याचार का। हनीशानी इस चोट को ठीक मत होने देना, रोज कुरेदती रहना ताकि तुझे याद रहे इनकी दी हुई तकलीफ और इन्हें मेरी बात। अने अब डरने की जरूरत नहीं है, या तो हम अपने घर जाएंगे या ये लोग जेल जाएंगे। हमजा ना भूल जा। हाँ अच्छा भूल जा, चल मेरे साथ, मैं तुझे 1 मिनट रणवीर से बात करने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा है इससे बात करने को? बात तो अब कोर्ट में होगी होम्स। हाँ, ए कोर्ट की धमकी किसको देती है? हाँ फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है तुझे, मैं बता तुझे। जा जा, कैसे मिलेगी नहीं, तू देख बात उधर। अरे कौन देखना चाहता है उसका शक्ल? इस बार तुम्हारे साथ फेरे नहीं ले पाया, पर जिन्होंने हमारे फेरे रोके अगली बार वही हमारे फेरे लगवाएंगे। इमोटी बहन सच्चे कहूं, एक सेकंड के लिए तो मेरे को लगा था कि अपना रणबीर है ना ईशानी के साथ अग्नि के फेरे ले रहा था। तू पागल हो गई लक्ष्मी? अरे वो पहले ही फेरे लेके पछता चुका है, वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा। अरे वो उल्टे फेरे ले चुका है, अब वो ईशानी के साथ तलाक लेगा बस। हाँ बा, वो जिग्नेश भाई को बुलाना है कि नहीं? ये समझता क्या है अपने आप को, पैसा नहीं देगा पहला करने से मना कर देगा। जिग्नेश भाई वो क्यों पैसे देंगे? मोड़ी रे जिग्नेश नहीं, मैं रणवीर की बात करती हूँ। और वैसे भी इतना क्या कर रहा है, ये सब तो औरतें वाले का काम है। तेरी बीवी कहाँ है चैताली?
कितने सारे काम बाकी है। बा वो तो शॉपिंग पे गई है। अरे हद है तुम लोगों। अच्छा हुआ ईशानी जो तूने साइन करवा के वो डायमंड कंपनी अपने नाम करवा ली। मुझे तो ये रणवीर अम्बा पर जरा भी भरोसा नहीं है। उनका बस चले ना तो तुझे बिना पैसे दिए ही तलाक ले ले। ऐसी दुखती रग दबाऊंगी कि अपने आप उनकी मुट्ठी खुल जाएगी। छोड़िए ना बाप, ये सब मैं देखूंगी। देखना रणवीर से ना डबल पैसे निकलवाऊंगी मैं। अभी हम शर्मन भैया की शादी के बारे में सोचते हैं ना। घर के पहले बेटी की शादी है और बेटी की बहन एक डायमंड कंपनी की मालकिन है। सारे के सारे फंक्शन अब ग्रैंड स्टाइल में होंगे। अरे बाप वो सब हो गया हो तो कार्ड सिलेक्ट कर ले। और शर्मन भाई कार्ड आप सिलेक्ट करोगे या रितिका मामी से करवाना है? हम लड़के वाले हैं हो, हम ही कार्ड सिलेक्ट करेंगे। शर्मन तुझे जो अच्छा कार्ड लगे ना वो मुझे बता दे। हाँ आप ही सिलेक्ट कर लो ना, आपको तो मेरी चॉइस मालूम है। मारो सोरू मोना बिन को बुलाना है ना। हाँ रथी कैसी है? रथी रथी कौन है? हाँ मैं बस फैमिली के साथ बैठी थी। शर्मा भैया की शादी है ना तो गेस्ट लिस्ट बना रहे थे। यानी कि सब होंगे, भाभी होगी। अच्छा पर ये कैसा नाम रखा तुमने रती? इससे कोई बेटर नाम ही मिला तुम्हें? जैसी तेरी हरकतें हैं ना तेरा नाम तो नकचड़ी होना चाहिए। अच्छा बताओ क्यों कॉल किया? एक्चुअली मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आया था गौरी से मिलने। ओ कैसी है वो? इज गुड। अच्छा सुनो मैं उसे यहाँ से एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ। There's a good news, सिनेला के बारे में। सिनेला? Hello? Hello? I think network नहीं आ रहा। Hello? बाप, मैं भी जूस ले आती हूँ, ठीक है? कहाँ बेटा? तू क्यों जाएगी? माला लेके आ गया है माला। नहीं, मैं ले आती हूँ ना, वैसे भी उस माला को जूस निकालना अच्छे से नहीं आता। लकना नो करो, आओ नपोल। हेलो हेलो हाँ मैं उनसे दूर आ गई। तुम क्या बताए थे मुझे शनेला के बारे में? एक्चुअली मेरी डॉक्टर से बात हुई और उन्होंने कहा कि शनेला की रिकवरी बहुत तेजी से हो रही और वो बहुत जल्द कोमा से बाहर भी आ जाएगी। शनेला ठीक हो जाएगी? रणवीर तो सच में गुड न्यूज है। हाँ मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें, वो पूरी तरीके से जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ रणवीर शनेला अब हमारी जिम्मेदारी है। आज तक उसी गेट में चेहरे हो कि जब चिराग ने शनेला को गाड़ी से टक्कर मारी थी मैं उसी के साथ थी। मैं चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाई रणवीर। ऐसा मत सोचो ईशानी, क्योंकि अब हम उसकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। जिंदा रहना उसका हक है। जिसने भी उसका यह हाल किया हम शनेला से चिराग को सजा दिलवाएंगे। बस एक बार शनेला चिराग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते फिर उस चिराग को कोई नहीं बचा सकता। शनेला? ये तो चिराग की गर्लफ्रेंड, वो ठीक होने वाली है। तुम बस प्रे करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। या मैं होप सो। तो चलो ठीक है अब मैं रखता हूँ। अच्छा सुनो गौरी दी को बोल देना कि मैं उनसे जल्दी मिलने आऊंगी और तुम भी जल्दी घर आ जाना। ओके अगर तुम इंतजार करो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय। चलो बाय। डॉक्टर क्या मैं शनेला को देख सकता हूँ? कोर्स सिस्टर, सर को मास्क पहनाओ और इन्हें आईसीयू में ले जाओ। थैंक यू। बोलो पारुल क्या काम था? मैं शरुण भैया को भी लेके आ गया। अब तुम दोनों बैठो, एक बार सबको आने दो फिर उसके बाद ही बताऊंगी। साथ में ही बता दूंगी ना। सब कौन? हम दोनों तो आ गए ना। अब ओफो आप भी कितने क्वेश्चन करते हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये दिवस के बारे में बात कर रही है? अरे वो नहा रहा है, अगर उसके लिए वेट किया तो 40 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तुम बताओ ना क्या काम है। हाय गाइस व्हाट्सअप। हाँ बारू बताओ क्या प्लान है? प्लान
ओके प्लान ये है कि आज वैलेंटाइन डे और ईशानी भाभी और भैया का फर्स्ट वैलेंटाइन डे तो मैं सोच रही थी उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हैं व्हाट डू यू गाइस थिंक अरे क्या स्पेशल प्लान करते हैं यार हम कुछ भी प्लान करते हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना कल रणवीर ईशानी को टेरेस पे भेजा था तो बाबा रंबा काकी ने सब कुछ गड़बड़ कर दी थी ना हाँ यार वो भी है और एक तो माँ भी ना कितना शक करती है उन दोनों पे एक तो उनके कमरे भी बार बार चेक करती है सर को टाइम ही नहीं मिल पाता है स्पेंड करने को साथ में अरे यार दिस इज सो बैड उन दोनों का फर्स्ट वैलेंटाइन है और वो एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे अरे क्यों ना हम उन दोनों को एक स्टोर रूम में बंद कर दे उसकी चाबी कहीं फेंक देंगे और कोई उनके बारे में पूछेगा तो बोल देंगे वो कहीं खो गए कहीं खो गए बहुत बेकार प्लान है हमें और कुछ सोचना पड़ेगा ये प्लान बहुत रिस्की है अरे हाँ क्यों ना हम शरबत में जमाल गोटा मिलाकर उन सबको पिला दे सब बाथरूम में बिजी होंगे और रणवीर ईशानी एक दूसरे के साथ और अम्मा आंटी को जमाल गोटा पिलाएगा नहीं नहीं और कुछ सोचो और कुछ ओ तो तुम सब लोग यहाँ पर गुड क्या बातें चल रही थी कुछ नहीं कुछ नहीं एक्चुअली हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि मेरी और शर्मन की संगीत पे कौन किस गाने पे डांस करेगा है ना ओके एनीवेज गाइस सुनो मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए कैसी हेल्प हाँ बैठो बैठो चलो बैठो देखो गाइस हमें माँ और बा को एक दूसरे से मिलाना है क्योंकि अगर वो लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो मुझे और ईशानी को जिंदगी भर के लिए डिवोर्स का नाटक करना पड़ेगा तो इसीलिए मेरे पास एक प्लान है प्लान ये है किसी भी तरह मैं माँ और बा को हवेली पूजा के लिए भेजूं जो कि आज है साउथ मुंबई के शिनाजी मंदिर में और पूरी गुजराती कम्युनिटी वहां पर आती अब सुनो करना क्या क्या हुआ जाने दो ना अरे मुझे रणवीर का प्लान एग्जीक्यूट करना है अरे चली जाना पहले मेरी बात तो सुन लो अच्छा बोलो बात ये है कि आज का हमारा प्लान क्या है हमारा प्लान हाँ तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भी कोई प्लान होना चाहिए लेकिन हम लोग क्यों अलग से प्लान बनाए जब रणवीर ने ऑलरेडी प्लान बनाया है पिता मैं रणवीर की नहीं मैं हमारे प्लान की बात कर रहा हूँ ओ हमारी बात हमारा प्लान हाँ तो प्लान है ना देखो जब बा और अम्बा आंटी मंदिर चले जाएंगे तो हम रणवीर और ईशानी को सरप्राइज देंगे रितिका मैं उनके नहीं मैं हमारे प्लान की बात कर रहा हूँ मतलब हमारा भी तो कुछ वैलेंटाइन प्लान हो सकता है मेरा और तुम्हारा हम दोनों का वैलेंटाइन प्लान रिलैक्स शर्मन तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो और देखो ना पसीना भी आ रहा है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कम ऑन शर्मन मैं कैसे भूल सकती हूँ ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर ये हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन बट यू सी शर्मन आई लुक सो सेल्फिश मतलब वो दोनों बेचारे एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे ऐसे में हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं पहले हम रणवीर का प्लान पूरा करते हैं फिर अपना हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ पर हम हमारे प्लान के बारे में तुम बात तो कर सकती हो ना तुम भी तो बात कर सकते हो ना तब से घुमा फिरा के बात कर रहे हो तुम भी तो हक से पूछ सकते थे ना चलो ठीक है मैं ही पूछ लेती हूँ सो व्हाट हैव यू प्लान फॉर मी क्या है मेरा आज का सरप्राइज सरप्राइज नहीं दे तू क्या हुआ अब तुम्हारे पसीने की छूट है शर्मा रही हो या घबरा रही हो एक्सक्यूज मी मैं कभी नहीं शर्माती और वैसे भी ना शर्माने का काम शर्मन का है अब तुम जाके मेरा सरप्राइज प्लान करो मैं अभी अपना काम करके आती हूँ अरे माँ अच्छा हुआ तुम यही मिल गई मुझे एक्चुअली तुमसे एक काम था आई मीन एक रिक्वेस्ट थी मुझसे हाँ 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 बोल ना खाने में कुछ खास बनवाना है मैंने दुनिया की हर माँ को बस अपने बेटे को खाना क्यों खिलाना चाहती है माँ मेरे लाइफ की प्रॉब्लम कुछ और है और तुझे खाना खिलाने की पड़ी है हाय हाय विक्रम ऐसे क्यों बोल रहा है बता
क्या परेशानी है बोल। अरे माँ, मेरी परेशानी का नाम निशानी है, तूने देखा नहीं कल कैसे स्ट्रॉ डाल के मेरा खून चूस रही थी। माँ मुझे तेरे खाने की नहीं, मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। वाह भैया, एकदम सही जा रहे हो यार, मैं एक्टिंग करना भी सीख लिया दिख रहा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है। हाँ अरे माँ, तो फिर कुछ होता क्यों नहीं है, तू इतना पूजा पाठ करती है फिर भी कोई फल क्यों नहीं मिलता। माँ कुछ तो कर, ये जादू डोना कर, ये श्रीनाथ जी की पूजा करवा, कुछ भी करा। माँ अगर सच में भी कुछ नहीं हुआ ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं दिख रहा, ऐसा मत बोला, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ करते हाँ, कुछ करते, तू शांत हो जा। श्रीनाथ जी से याद आया कि वो जवेरी सर कह रहे थे कि साउथ मुंबई के श्रीनाथ जी के मंदिर में कोई बहुत बड़ी हवेली पूजा है। क्या श्रीनाथ जी के मंदिर में हवेली पूजा है? जी बा, और पापा तो कह रहे थे ये साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। रे हमारे गुजराती में इस पूजा की बहुत मान्यता होती है, 3-4 घंटे भजन कीर्तन और फिर वो, और फिर आरती और जय श्रीनाथ जी की। अब और पता है आज तो एक और खास चीज होने वाली है। क्या? अरे बा, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वहाँ उदयपुर से पोशाक मंगाई गई है, और वो पोशाक मुंबई के सबसे बड़े और इज्जतदार खानदान में दी जाएगी, और फिर वो अपने घर के ठाकुर जी को पहना सकते हैं। सच? यह कनुरा ठाकुर जी मारा। और सोचिए बा, अगर ठाकुर जी का वो पोशाक सारे खानदान में आ जाए तो ठाकुर जी तो बहुत खुश हो जाएंगे, और पापा भी तो कितना प्राउड फील करेंगे कि उनकी बेटी ऐसे खानदान में बहू बनकर जा रही है जिस घर में ठाकुर जी की पोशाक आ रही है। ठाकुर जी की पोशाक तो हमारे ही घर आएगी, भला हमसे बड़ा परिवार और कौन है पूरी मुंबई में। तू चिंता मत कर दिख रहा, मैं तेरे लिए मन्नत भी मानूंगी और ठाकुर जी के लिए पोशाक भी ले आऊंगी। हाँ पोशाक और आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मुझे हो सकता है शायद मुझे इशारे से डिवोर्स मिल जाए, कुछ नहीं तो कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। अब माँ तू बस सच्चे दिल से मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ मासी तुम। हाँ हाँ रणवीर दिख रहा, क्यों नहीं, अरे मैं तो उस ईशानी नाम की ना ग्रह शांति भी करा दूंगी। हाँ मैं ठाकुर जी के पास तेरे और शर्मन के लिए प्रार्थना करूंगी। तो बाप जाएंगी ना? अरे जाऊंगी यानी जरूर जाऊंगी, अरे पूरा पारे परिवार जाएगा। तू जा, तू देवर्ष और पति को कह जल्दी तैयार हो जाए, मैं दिशा और फाल्गुनी को कहती हूँ वो हमारे साथ चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर का ट्रस्ट है ना वो उन्हीं लोगों को पोशाक देता है जो लोग डिजर्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल्दी जाइए और जल्दी पाइए। माँ तुम क्या कर रही है, जल्दी से निकल, 1 घंटे में पूजा शुरू होने वाली है। हाँ? अगर तू लेट पहुँचेगी तो फिर वो लोग पोशाक किसी और को दे देंगे। हाय हाय। हाँ? अब सोचिए बा, जब गणेश पूजा में आप ठाकुर जी को वो पोशाक बनाएंगे तो सारा पंडाल देखता रह जाएगा। बा क्या रोजो? अरे श्रीनाथ जी के मंदिर में तू भी तैयार हो जा प्रतीक, ठाकुर जी की पोशाक लानी है। इसे कहते एक तीर से दो निशान, आरवी और ईशानी की डेट तो पक्की हो गई, बेचारे देवर्ष की डेट कैंसिल हो गई, और उसकी वैलेंटाइन की तो लग गई। बेचारा देवर्ष तो भजन सुनेगा। अरे जो अपनी बहन से प्यार करते वो भजन कीर्तन क्या, उसके लिए प्रवचन भी सुनते हैं। चलो चलो। लक्ष्मी 5 मिनट में तैयार हो जाओ, सबसे पहले हमें ही वहाँ पहुँचना है और ठाकुर जी की पोशाक हमें ही मिलनी चाहिए। हाँ मोटी बहन आप भी लो, मैं उन्हें साड़ी दिखा दूँ। अरे हाँ बोल माँ, मैं भी चलूंगी हवेली पूजा में। अरे तो फिर चल ना, जा जल्दी से तैयार हो जा, और सूरज सारा सामान ले। मिशन अकम्प्लिश्ड। हमारा भी ईशा, तुम्हें पता है आरवी और ईशानी के बीच में सब ठीक हो गया है, और इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी। अरे कैसा है बेटा दिशा, अच्छा हुआ तू यहाँ है, चल अब तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा, श्रीनाथ जी के मंदिर में हवेली पूजा है, वहाँ जाके ठाकुर जी के पोशाक लाने हैं। ठाकुर जी की प्रार्थना करते करते मेरे शर्मन और रितिका की शादी के लिए प्रार्थना करूंगी, और तेरे होने वाले बच्चे के लिए मन्नत मानूंगी, तो तू मेरे साथ चल। चल सर मंदिर, और मैं दिशा, मैं मंदिर जाना चाहिए। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने मुझे लामास क्लासेस ज्वाइन करने कहा था, वहीं जा रही हूँ मैं बस। कौन से क्लासेस? वाह लामास क्लासेस,
प्रेग्नेंट वुमन और उनकी बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए होता है। ओ माड़ी रे ओएम, कहाँ है ये क्लासेस? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना? और बाप, आपको मंदिर के लिए जाना होगा, मुझे क्लास जाना है ना, है ना? अच्छा अच्छा, जो सामान जरा एकदम दौड़ धाड़ मत करना, तू जरा संभाल के जाना है। हाँ हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? मुझे बहुत चिंता भाई, अच्छा संभाली धीरे धीरे। हाँ बाबा, उसको संभालना। क्या बा और काकी जाने के लिए मान गए? हाँ भाभी, आपको पता है भैया ने ऐसी एक्टिंग की कि मासी को हाँ बोलना ही पड़ा। अरे तो हमारी रितिका भाभी कुछ काम है क्या? हाँ ईशानी, तू बा को तो जानती है, उन्हें बेवकूफ बनाना कितना मुश्किल है, तो रितिका भाभी ने यू एक्टिंग करके उन्हें शीशी में उतारा है। थैंक गॉड, कैसे भी सही, बट एटलीस्ट वो एक साथ श्रीनाथ मंदिर जाने के लिए तो मान गए। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो उन दोनों को समझते, ताकि वो ये समझ पाए कि घर के भगवान और परिवार दोनों एक ही होते हैं, और अगर हम सब एक दूसरे को अपना मानेंगे ना, तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, तुम सबके बिना ये कभी नहीं हो पाता। ओह भाभी, आप और आपकी फॉर्मेलिटीज, अब थैंक यू वैंक यू हो गया तो आप जाके रेडी हो जाओ। रेडी? मैं क्यों रेडी हूँ, मुझे थोड़ी मंदिर जाना है। अरे मंदिर जाने के लिए नहीं, लॉयर के पास तो जाना ना। लॉयर? बा और अंबा काकी के सामने तुझे एक्टिंग जो करनी है रणवीर के साथ, कि तुम दोनों डिवोर्स के नए पेपर्स के लिए लॉयर के पास जा रहे हो। लॉयर के पास? ओके ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, चल साथ लेके जाएगा क्या?